स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SRPC फैमिली में। ये देखिए मेरा जाल अभी गिरा हुआ है। आज एक नया तरीका से हम दिखाएंगे आपको मछली मार के। लेट हो गए थे, मेरा जाल गिर चुका था। देखिए मेरा जाल अभी गिरा हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मछली है या नहीं। अपने वक्त हम आपको दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन जाल अभी मेरा पानी में गिरा हुआ है, अभी मछली उसके अंदर है। चलिए दिखाते हैं कौन सा मछली फंसता है या नहीं फंसता है। बने रहे हमारे वीडियो में। तो गाइज अभी हम जाल खींच रहे हैं। ये जाल को हमको धीरे धीरे खींचना पड़ता है आराम से। अभी बहुत सारा जाल पानी के अंदर में ही है। जाल को हल्के हल्के से खींचना पड़ता है। अभी देखिए इधर हम जाल ऊपर की ओर खींच लेंगे। देखिए मछली भी घर में आया हुआ है। देखिए ये पलवा मछली है, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा जाल में है। एक साइड से हम लोग जाल झाड़ते हुए जा रहे हैं। टेंगठा मछली टेंगठा। एक साइड से जाल से छोड़ा के हम मछली टोकरी में रख रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा भी फरे से जीतता है। तो यहाँ पे जाल फंस गया था, तो एक आदमी छोड़ाने के लिए पानी में गया है। ऊपर से हम लोग जाल मार रहे हैं। देखिए यहाँ पर मछली भी आ गया है जाल में। देखिए सभी जगह पे मछली है। धीरे धीरे जाल हम खींचते जा रहे हैं, थोड़ा दूर और बचा हुआ है घर के लिए। एक साइड से हम लोग मछली भी छुड़ाते हुए जा रहे हैं। जाल में जो भी मछली लगा हुआ है भी छोड़ा लेंगे। देखिए एक बड़ी मछली यहाँ पे लगा हुआ है। ये मछली काला जैसा है, ये मछली सौड़ी मछली है। आप कमेंट भी बताइएगा ये मछली का नाम। चलिए हम इसको छोड़ा लेते हैं। देखिए अभी भी ये जीतता है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए उठा के हम इसको देखते हैं। अरे हाथ से छूट गया। देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। साइड में जो ये साइड में कलर है, देखिए किस तरह से बना हुआ रहता है इसका आकार। खाने में तो ये लाजवाब लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। चलिए हम इसको रख देते हैं। अभी हम लोग एक साइड से जाल को झाड़ते हुए जाएंगे ताकि उधर अभी जो मेरा उधर घोर लगने वाला है, लास्ट सीन होने वाला है, वहाँ तक हम सब पहुँच जाएँगे तब तक। इधर से हम लोग साफ़ करते हुए जाएँगे। हम आपको भी मछली दिखाएंगे। देखिए ये कौन सा मछली है, पलवा मछली। यही मछली का आज हम शिकार कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। यही जगह पर लास्ट सीन है जो बचा हुआ, यहीं पर जो भी मछली आएगा। देखिए कुछ आदमी अभी भी डुबकी मार के मछली पकड़ रहा है, जो जाल से बाहर हो जाता है मछली। देखिए अभी भी फेंक दे ऊपर, फेंक मछली। देखिए डुबकी मार मार के ऊपर कर रहा है मछली, जो जाल से भाग जाता है वो मछली वो सब पकड़ रहे हैं। देखिए ऊपर फिर से फेंक दिए हैं, बहुत सारा मछली भाग रहा है अभी। देखिए हमेशा एक दो करके पकड़ रहे हैं डुबकी मार के, जो जाल से छूट जाता है वो मछली। एक ऊपर से खींच रहा है, बाकी दो तीन आदमी नीचे से पकड़ रहे हैं। इतना मछली सोचिए भाग गया था जाल से। तो देखिए अभी भी आप देखिए लास्ट सीन, देखिए कितना ज़्यादा मछली आ गया है यहाँ पर। और ये बाप कितना ज़्यादा है। धीरे धीरे हम लोग कष्ट भी करा भी लग रहा है जाल खींचने में, लेकिन देखिए मछली एक ही जगह पर बहुत सारा आ गया है। देखिए एक ही जगह पर कितना ज़्यादा मछली आ गया। ये पलवा मछली है। पूरा जाल पूरा घर फुला गया है मछली से यहाँ पर। ये मछली के बारे में थोड़ी हम बता देते हैं, इसमें कांटा रहता है, इसीलिए जाल में ज़्यादा ये फंस गया है। देखिए इतना ज़्यादा लग मछली आ गया है एक ही जगह पे। चलिए हम इसको छोड़ाते हैं तब तक एक साइड से। कुछ देखिए मछलियाँ छूट भी गई थी। एक ही जगह पर लथपथ हो गया मछली आके पूरा जाल में। देखिए अभी भी छटपट कर रहे हैं। चलिए इसको हम छोड़ा लेते हैं अभी। ये मछली के बारे में हम आपको बता देते हैं, इससे खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। ये मछलियाँ में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी और विटामिन बी भी पाया जाता है, तथा ये मछली खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
देखिए ताज़ा मछली, फ्रेश मछली। इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मछली लगा हुआ है, देखिए पूरा भरा हुआ है मछली से। हम मछली के बारे में कुछ और आपको बता देते हैं। डॉक्टर का भी यह मानना है कि एक हफ्ते में एक बार ज़रूर आप लोग मछली का सेवन करें, इससे हार्ट का भी जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए हेल्दी माना जाता है मछली। देखिए कितना सारा मछली वहाँ पे गिरा, झाड़ दिए हैं अभी भी जाल में, देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है। दोनों साइड से हम लोग झाड़ रहे हैं मछली को, वहीं पे देखिए ज़्यादा मछली आया हुआ है, इसको हम छोड़ाएंगे अभी। देखिए कितना कितना ज़्यादा मछली एक ही जगह पे आया हुआ था। हम जाल को ऊपर नीचे कर रहे हैं तब पर भी नहीं नीचे गिर रहा है मछली। इसको धीरे धीरे काटा तोड़ के हम इसको छोड़ाएंगे। यहाँ देखिए और कुछ मछली नीचे में भी गिरा हुआ है और पूरा जाल में भी लगा हुआ है, सामने में तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो दोनों साइड से हम लोग झाड़ रहे हैं मछली को, धीरे धीरे हम इसको झाड़ते रहेंगे। देखिए वहाँ पर भी काटा लगा हुआ है। इसी तरह से हम लोग फिशिंग करते हैं। देखिए अब हम टोकरी लेके आ गए हैं, अब हम मछली को इसी टोकरी में रखेंगे। तो चलिए एक आदमी तो बैठ गया उठाने के लिए, तब तक हम लोग झाड़ लेते हैं मछलियाँ को। देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है, आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा हुआ। देखिए कितना ज़्यादा मछली लगा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग नए हैं वीडियो पे। तो देखिए कितना ज़्यादा मछली लगा हुआ है, इतना ज़्यादा मछली। अभी भी हम आधा मछली छोड़ दिए हैं जाल में, तब तक वो सब मछली उठा लेते हैं जो भी बालू पे रखा हुआ है, ताकि नीचे नहीं चल जाए, भागे नहीं कुछ मछलियाँ। देखिए ये पलवा मछली दिखा रहे हैं भैया, कितना खुश हैं, आज तो मज़ा ही आ गया। हम लोग इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप लोग का प्यार दुलार हमें हमेशा हम पे बनाए रखें, आपके लिए इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। चलिए हम उठा उठा के रख देते हैं टोकरी में। देखिए इतना सारा मछली आया था कि ये पलवा मछली है। लोग आज बहुत खुश हैं इतना ज़्यादा मछली फंसा था। हम लोग तो अब उठा लिए पूरा मछली। चलिए अब हम ये सब मछलियाँ रख देते हैं, उसके बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी तो बालू लगा हुआ है ये, इसमें अभी भी जाल में बहुत सारा मछली लगा हुआ है, तब तक हम ये सब उठा लेते हैं। चलिए देखिए हम ये अब लेके जाएंगे, अभी भी मछलियाँ लगा हुआ है, लेके जा रहे हैं इसको धोने के लिए। चलिए यहाँ पर हम इसको धो लेते हैं। देखिए कुछ तो मर चुकी है लेकिन अभी भी बहुत सारा जिंदा है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए धो लेते हैं अब अच्छा तरीका से फ्रेश कर लेते हैं। अब ये मछली मार्केट जाएगा बिकने के लिए, तब तक आप लोग देख लीजिए यही मछली का शिकार किया। चलिए आधा आधी बांट लेते हैं दोनों टोकरी में, अच्छा से ढार लेते हैं। वो गिर जाएगा, गिर गया कुछ मछली, सामने से गिर गया, अभी उठा लेते हैं। चलिए इसको हम मछली, आप लोग सेवन करते रहिए, मछली खाना चाहिए। कुछ कुछ हम जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। देखिए अब हमने मछली को रख दिया है यहाँ पे, यही पलवा मछली है। मछली से रिलेटेड और जो जाल के बारे में होती है खासियत और कौन कौन सा जाल हम यूज करते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। इसी तरह का हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लिए मैं एक नया वीडियो इसी तरह से लाते रहें। धन्यवाद।